योगी सरकार भले ही भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाने का दावा करती है, लेकिन पुलिस की अवैध वसूली इसको ठेंगा दिखा रही है। योगी सरकार के ये दावे फेल होते नजर आ रहे हैं। सरकार के नुमाइंदे खुलेआम रिश्वत लेकर सरकार को चुनौती दे रहे हैं। योगी की पुलिस कैसे उत्तर प्रदेश की सड़कों पर खुलेआम रिश्वत लेती है, ये दिखाते हैं इस वीडियो में। पुलिस की ऐसी ही घूसखोरी की लाइव तस्वीरें यूपी की आवाज़ ने पीलीभीत में कैद की हैं। यहाँ कभी थाने में बैठकर तो कहीं खुलेआम सड़कों पर बेखौफ घूसखोरी का धंधा चल रहा है। पीलीभीत से बरखेड़ा थाने से पुलिस के सिपाही बीच रोड पर वसूली करते नजर आए। बरखेड़ा थाने की डायल 100 गाड़ी नंबर 2074 पर बैठे यह सिपाही देखिए किस तरह गाड़ी के अंदर बैठकर सड़क पर उगाही कर रहे हैं। थाना क्षेत्र के ग्राम भोपतपुर मोड़ पर लकड़ी से भरी गाड़ियां निकल रही थी और यह सिपाही ट्रैक्टर ट्रॉली से वसूली कर रहे हैं। आपको बता दें कि कुछ दिन पूर्व ही सोनगढ़ी थाने में तैनात सिपाही की रिश्वतखोरी का खुलासा यूपी की आवाज़ ने किया था, जिसके बाद एसपी ने सिपाही को सस्पेंड कर दिया था। लेकिन उसके बावजूद भी पीलीभीत पुलिस सुधरने का नाम नहीं ले रही है और खाकी लगातार बदनाम हो रही है। पीलीभीत से जितेंद्र गंगवार की रिपोर्ट।